जरा खुली हवा में बैठिए, मैं जाकर हमारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, ठीक है। तब तक मैं शांत रहने की कोशिश करती हूँ, थकान महसूस हो रही है। ओए मिसेस एमिनी, क्या हो गया हयात को? अब मैं आपको क्या बताऊँ मिस टोल, पता नहीं वो कब ठीक होगी। टू वॉल बेबी, टू वॉल, वो समझ में आ रहा है आपको? टू वॉल जैसे कि वजन, जैसे वतन, आवन, टू वॉल, टू वॉल। समझ गई मिस वतन, माफ करना मिस टू वॉल। हाँ छोड़िए, हयात कहाँ है? ऊपर है। क्या मतलब है आपका? क्या कह रही है आप? ये सब कब हो गया? कल रात को हुआ। लेकिन उन्होंने तो एक्सीडेंट कहा था। हाँ हुआ तो था। खुद को संभालिए। हाँ कब से वही कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती इस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा। आपके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। खुद को संभालिए। आपका शुक्रिया मोहतरमा, लेकिन आखिर हुआ क्या है? आप हयात को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी ना? हाँ करती हूँ, मेरी बेटी है वो। ठीक है, ठीक है। जिसे जाना था वो तो चला गया, लेकिन हुआ क्या है? क्या ऊपर हयात को कुछ हुआ जब मैं नीचे आई थी? बताओ, बताओ मेरी बेटी को क्या हुआ है? बताओ, जल्दी बताओ, बोलो। लेकिन आप मुझे क्यों हिला रही हैं? आप ही ने तो कहा कि वो ऊपर है। तो आपने ऐसे समझा? आपने तो कमाल ही कर दिया। जाइए, वो ऊपर अपने रूम में है। आप भी ना, आप भी कमाल करती है मिस वजन। आप पहले ही आग में है और मैं माचिस लेकर आ गई। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो बस आपको फंसाना चाहती है। उसे अपने किए पर पछताना पड़ेगा। अब आप क्या करने वाले हो भाई? मैंने कहा ना वो प्रेग्नेंट है। तो तुम क्या चाहते हो दुरुक? मैं क्या चाहता हूँ भाई, इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी तरफ से डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि शक की कोई भी गुंजाइश ना रहे, बाकी आप पर डिपेंड करता है। तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ? ओ भाई अब शुरू मत हो जाना, मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था। ये इम्पोर्टेंट इशू है और मैं आपकी तरफ से डिसीजन नहीं ले सकता। हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? और ये बताओ मुझे कोई डिसीजन क्यों लेना है जब मैं इस बात को मानता ही नहीं? उसने ये प्लान किया था और मुझे धोखा दिया है, तुम जानते हो। जानबूझकर प्रोटेक्शन यूज नहीं किया और प्रेग्नेंट हो गई। हाँ मैं जानता हूँ ये सच है, लेकिन अब आप क्या करने वाले हैं? क्या करूँगा, एक नॉर्मल इंसान की तरह उससे मुंह पे पूछूंगा। क्या बात है जाने मन, अब तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आलो, कहाँ हो तुम दीदी? डिप्रेशन में। मैं जगह पूछ रहा हूँ। हाँ वो तुम्हारे घर के पास वाले कैफे में हूँ। ठीक है, तो क्या हम आज रात मिल सकते हैं? हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो मुराद। इस वक्त मैं क्या चाहता हूँ वो जरूरी नहीं है, मिलकर बात करते हैं दीदी। यही ठीक रहेगा। ठीक है, मैं करीम को तुम्हें 8 बजे पिकअप करने के लिए भेजूंगा। ओके ओके। गुड बाय मेरे प्यारे मुराद। सुना है यहाँ ट्रैफिक मॉन्स्टर घुस आया है। कहाँ है वो? कहाँ है, कहाँ है? यहाँ है। जल्दी अच्छी हो जाओ माले, चल जाओ, लेटी रहो चुपचाप। मुझे मॉन्स्टर तो मत कहिए, मुझे केयरलेस कह सकती हैं। वाओ, तुम तो अब ठीक लग रही हो।
और एक बात, तुम पर सर्दियों के मौसम में यह हॉस्पिटल के कपड़े बड़े जच रहे हैं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। अब बताओ मुझे क्या हुआ, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसी बेवकूफ ट्रक ड्राइवर ने ठोकर मार दी, या फिर कोई तेजी से गाड़ी को टक्कर मारकर चला गया, या आपको सामने आ गया? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं, मैं बस अपना कंट्रोल खो बैठी। देखो, तुम्हें अपनी उस माँ का, जो सच में खुद को तुम्हारी माँ समझती है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखो, मैं अभी उनसे नीचे मिलकर आई हूँ और वो क्रेजी। सच में? अब जब हम हॉस्पिटल में हैं तो उन्हें भी एडमिट करवा देते हैं, हो सकता है कि उनका दिमाग भी कुछ हद तक ठीक हो जाए, क्या कहती हो? वो मुझे ऐसे देखकर परेशान हो गई, इसीलिए तो कह रही हूँ मैं। हाँ, वो बस तीन इलेक्ट्रिक शॉक देकर सारी हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं। जब वो अपनी हिस्ट्री भूल जाएंगी तो तुम भी उनके चंगुल से छूट जाओगी। क्या वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? क्यों, तुम्हारे पास भी प्यार की दर्द भरी कहानियां हैं जो तुम भूलना चाहती हो। सच में तुम्हें पता है मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छी लव डॉक्टर हूँ। चलो बताओ क्या स्टोरी है, बताओ। अगर हम इसके बारे में बात ना करें तो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई और चॉइस है? बिल्कुल भी नहीं है माय डियर। नो, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है। बहुत बढ़िया, स्मार्ट हो। अब तुम मुझे हयात और मुराद की लव स्टोरी शुरू से बताओगी। तुम समझ गई होगी कि ये बात मेरी नजर से बच नहीं पाई। चलो बोलो। ओह मिस्टर कैरम, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं बस तुम्हें चाहता हूँ एपेक, लेकिन बात वो नहीं है। मैं डॉक्टर के पास गया था, बहुत बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत खराब है? हालत बहुत ही खराब है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बताओ क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा मेरा दिल एक बहुत ही गुस्से वाली पर एक प्यारी लड़की ने तोड़ दिया है। मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन क्यों? मैं ये सब इसलिए कहता हूँ ताकि कुछ वक्त मजे से कटे। इपेक, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? पूछो। तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों होती हो? क्या तुम्हें अब तक नहीं पता चला तुम्हारे दोस्त ने क्या किया है? अरे बस करो, ये मुराद और हयात की आपस की बात है। हम उनके स्टोरी के हीरो नहीं हैं, और किसी तीसरे को पता नहीं चल सकता कि उनके बीच क्या हुआ है। और सवाल वो नहीं है पैक, सवाल ये है कि तुम मुझ पर क्यों भड़कती हो? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। तुम जैसे ही प्यार जताने लगते हो मुझे एकदम गुस्सा आने लगता है और तुम्हें मारने का मन करता है। मेरे डैड को देखो और वहां मुराद को, मर्द ऐसे होते हैं सिर्फ दर्द ही देते हैं। लेकिन तुम मुझे कभी उन मर्दों जैसे नहीं लगे जो मुझे परेशान करते हैं। हर मर्द एक जैसा नहीं होता। देखते हैं। Thank you.